एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। सीएम योगी से प्रोफेसर रामगोपाल यादव को मिले, दो दिन बीत गए हैं लेकिन रामगोपाल यादव पर सियासी हमले बंद नहीं हो रहे। अब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर ही सवाल दागे। मैं समझती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने प्रदेश के मुखिया से मिलना चाहता है, वो कोई भी व्यक्ति हो, तो लोकतंत्र में उसको आज़ादी है। ये पत्र ऑलरेडी जिस तरह से बाहर पब्लिक हो गया है कि मुख्यमंत्री जी को क्या पत्र ज्ञापन सौंपा गया, क्या चीज़ें बात हुई, उस पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उस पत्र में दो ही व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है। चाचा जी ने अपना व्यक्त किया अपने और पत्र जारी करवा दिया उनका, तो मैं समझती हूँ कि उनका जो भी पत्र लिखा हुआ है उस पत्र को पढ़ करके और जो चाचा जी ने बात कही है उससे कई लोग सहमति रखते होंगे। अपर्णा यादव अब बीजेपी की सदस्य हैं, वो कह रही हैं चाचा जी ने जो कहा है उस पत्र को सार्वजनिक करने के बाद उससे बहुत सारे लोग सहमत होंगे। ये बात अपर्णा यादव कह रही हैं, यादव परिवार की सदस्य हैं। सीएम योगी से रामगोपाल यादव को मिले, दो दिन बीत चुके हैं लेकिन उन पर हमले बंद नहीं हो रहे हैं। बहू अपर्णा नेता की बात आपने सुनी और उन्होंने समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर ही सवाल उठाए। तो वो तो चिट्ठी जो माननीय रामगोपाल जी ने मुख्यमंत्री को दिया, तो उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि उनके ऊपर भू माफिया का मुकदमा लिखा गया है। टीवी पर मैंने देखा कि किसी के ऊपर 80 मुकदमे, 81 मुकदमे, 82 मुकदमे एक एक आदमी के ऊपर लिखे गए हैं। ऐसे भू माफिया की पैरवी करने माननीय रामगोपाल जी जा रहे हैं और सपा के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो भाई खाली रामगोपाल के समधिया तो नहीं हैं उत्पीड़न के शिकार, आजम खां भी हैं और भी मुसलमान भी हैं, कुइरियो हैं, भरो हैं, चौहानों हैं, बिंद हैं, केवट हैं, मल्ला हैं, तमाम लोग उत्पीड़न के शिकार हैं। तो खाली रामगोपाल यादव के समधिया रहेंगे उत्पीड़न में। देखा आपने इस सारे प्रकरण पर ओम प्रकाश राजभर ने जो कुछ कहा हमने आपको दिखाया और उन्होंने भी बहुत तीखे तंज किए हैं, समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, रामगोपाल यादव का मुख्यमंत्री योगी से मिलने पर बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि अगर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से मिलना बंद कर दें तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। हम हिंदुस्तान के मंत्रियों से रोजाना मिलते हैं, जिस दिन लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के लोगों की मुलाकात भी बंद हो जाएगी उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, अगर कोई समस्या लेके मुख्यमंत्री से मिलता है कि दुनिया का कोई लालच, कोई धमकी, कोई चीज हमें न छुपा सकते हैं न समाजवादी पार्टी की नीतियों से निरस्त कर सकते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।